वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आर का दूसरा पार्ट यानी कि शिवम अभी भी यहाँ नहीं है, ही इज इन मोहाली अभी भी, लेकिन वो आने वाला है। गुड न्यूज़, दो तीन दिन बाद वो आ जाएगा, आई गेस 14th या 15th के अराउंड वो आ जाएगा। एंड टुडे इज रक्षाबंधन, तो आज का पूरा व्लॉग होगा भाई और बहनों के लिए। और जो भी अपने भाई बहनों से प्यार करता है वो कमेंट में ज़रूर उनके लिए कॉम्प्लीमेंट लिख कर जाना। और बाहर कोई बेच रहा है लौकी तोरी, तो उनकी आवाज़ आ रही है, लौकी ले ला उधारी ले ला। खीरा भी बेच रहा है एक्चुअली। और कल रात को मैंने मेहंदी भी लगवा ली थी रक्षाबंधन के लिए। और अब हम जाने वाले ताई जी के घर पे, मैं दीक्षा माधव तीनों आज ताई जी के घर पे जाएंगे और वहीं पे होगा, क्योंकि जो मेरे दूसरे भैया हैं उत्कर्ष भैया वो वहीं पर ही हैं, तो हम आज तीनों वहीं पर ही जाने वाले हैं। तो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, मैं अभी शावर तो ले आई हूँ, अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, रेडी होकर आपको मैं आउटफिट भी दिखाती हूँ रक्षाबंधन का, और फिर मिलते हैं। ओके, तो गाइस हम दोनों तो रेडी हो चुके हैं, हम वेट कर रहे हैं माधव का। और रक्षाबंधन पे ये होता है ना, जब तक राखी ना बांधो तब तक बहन कुछ खा नहीं सकती है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं। हम क्या बन चुके हैं, भूखी शेरनी बन चुके हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। और ये निकम्मा भाई हमारा अभी तक नहाया ही नहीं है, रेडी हो रहा है अभी। खैर अब हम आपको अपने आउटफिट्स दिखाते हैं। तो ये है मेरा आउटफिट, ये आ रही है बाइक, हमारे भाई की बेबी आ रही है बीच में, ये भाई की बेबी चला। ये पहना है दीक्षा ने, आहा ढिंचक ढिंचक ढिंचक। चल चल है बढ़िया। लो राखी पापा की, पापा से पैसे ऐठेंगे क्योंकि बुआ नहीं है, तो बुआ की राखी भी हम बांधेंगे। और पापा को बहुत शर्म आई है ब्लॉग में आते। पापा इज टू शाय, पहले मिठाई खिलाओ। एक ही बंदी है तो? हाँ, तो दूसरी रिक्शा बांधी है, दो लिफाफे जाएंगे आपके पास से। सिर्फ मैं थोड़ी दूंगी। ये पापा का दूसरा लिफाफा जाते हुए, दूसरी बहन का। आज तो पापा काफी मीठा भी हो गया आपका। कोई नहीं, एक दिन तक चलता है पापा। घेवर पहुंच गए भैया के घर। करम हाय। और ये रे भैया फोन पे बिजी। चलो नहीं बांध दूंगी, लेकिन मैं बांधूंगी तेरी राखियां सारी, सुन तो। अरे सारी राखियां मैं बांधूंगी ना, पहाड़ पे पापा को दिया ना, मैं बांधूंगी गुल्लक दे दो, मम्मा गुल्लक दे दो। हाँ गुल्लक लेकर आ, अपनी पैसे दे पहले राखी बांधने के, ऐसे फ्री में कुछ नहीं होगा। कोई गुल्लक नहीं है, कोई गुल्लक। ये हमने सारी की सारी राखियां निकाल ली है, जितनी भी बहनों ने यहाँ पे कुरिया करी है। और ये टुन्नू तेरी तो क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। कॉइन कॉइन को कॉइन ला रहे हैं, ये चिल्ला रहा है कि राखी बांधने के लिए। ये
ये है वो प्राणी जिन्होंने टुन्नू को जन्म दिया है। हिम्मत बिना मन भी नहीं लगता। हाँ ये तो है, ये आ गया टुन्नू। हमने अभी अभी रियलाइज करा कि हमने राखियां बांध दी लेकिन हमें गिफ्ट ही नहीं मिले। अब हम गिफ्ट लेते हैं पहले हमारा। ये सारी बहनों की बाकी बची हुई बहनें जो नहीं आई उनकी वो ले गया। तरक्की हो गई शादी के बाद कुछ तो। यस माता तेरी बची थी आके दीक्षा वाले बेटो खोल के दिखाओ। ये लो दीक्षा दीदी को। इस वॉच को देख के मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगी। इस वॉच को लेके मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगी क्योंकि मेरी पसंद की। ओहो पहले ही आपको चॉइस करवा ली। yes, मतलब माय न्यू वॉच ला मेरा डब्बा तो इधर। ये भाभी भैया के एक राखी बांध रही है जो रह गई एक दीदी की। क्या हुआ ये बहुत ही इनोवेटिव सी एक राखी आई है। ये दिखाइयो ये ऐसे इसके मैग्नेटिक राखी है। ये वेरी क्यूट ये बन गई इनके इतनी सारी सारी राखियाँ। भाभी अपना दिखाओ प्यार। ये देखो इतनी सारी राखी। तुमने की राखी क्यूट है क्यूट क्यूट। ये हम 10-10 रुपए की 2 चॉकलेट्स लेकर आए हैं माधव के लिए। चलो उसे देते हैं। माधव तेरा राखी का गिफ्ट 10-10 वाली 2 चॉकलेट्स। खुश है? अरे कितना अच्छा भाई यार 20 रुपए में निमट गया हमारा भाई। वेरी नाइस। और यहाँ पर भाभी जी हमारे लिए कुछ अच्छा अच्छा बना रही हैं। ये क्या है? ये चॉकलेट शेक। वाव। और यहाँ पे बने हैं बर्गर्स। और ये क्या है भाभी? ये पकौड़े बन रहे हैं। कटलेट वेज कटलेट्स। ये हमारी भाभी मेहनत करते हुए ये खाई जा रही हैं, खाई जा रही हैं और बातें करे जा रही हैं। एप्रन तो उतार लेती। और ये कटलेट्स और बर्गर। तो हम लोग घर आ चुके हैं। हमने बहुत कुछ खा लिया, हमारा पेट एकदम फुल हो गया है। आप लोगों को कितनी हॉर्न्स की आवाज आती होगी ना। और अभी हमने माधव के लिए ना कुछ ऑर्डर किया था। हम सिर्फ उसके लिए वो 10-10 वाली 2 चॉकलेट्स तो वो ऐसे ही उसके लिए मजाक के लिए लेके गए थे। हमने उसके लिए कुछ ऑर्डर किया था और वो अभी अभी आया है तो वो भी चॉकलेट से ही रिलेटेड। लेकिन अब हम उसको देते हैं तो चलते हैं। चॉकलेट का बॉक्स है जो हमने माधव के लिए मंगवाया था। चल दीक्षा ये हमने तुम्हारे लिए कुछ मंगवाया था अभी आया है। इसमें है खाने का ही क्योंकि तू भुक्कड़ है तो हमने तेरे लिए खाने का ही ऑर्डर किया था। ये है छोटे छोटे टार्ट्स और इसमें है चॉकलेट फिलिंग चोको पॉकेट्स और ये है छोटी छोटी कोन्स हैं इसमें। बहुत क्यूट क्यूट सी चीजें हैं। खा के देखो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू क्या देख रहा है? मैं तुम्हें कह रहा था तुम उनको छुपा रहे हो। ये देखो इसमें ना छोटे छोटे से इतने क्यूट क्यूट से कोन्स थे। माँ हमें भी दे दे टेस्ट तो करने थे या हमने अपने लिए भी ऑर्डर करा ही है। दे दे हमारा दिक्षु। ये क्या हो रहा है? ठीक है तूने मंगाया उसके लिए था खा खुद रही है अब। ये टार्ट्स है ये खाना आपको इसको दबाऊंगा। हाउ इज इट? गुड 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 तू तो खा ले। तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले छवि का कॉल आया था वो भी अभी थोड़ी देर में आने वाली है। मैंने उसके लिए भी कुछ लिया है तो लेट्स सी उसे पसंद आता है या नहीं। चलो अब मेरी राखी बांधने के टाइम पहले तिलक करो। पहले तो यही लगा दो पहले बिंदी लगा के फिर चावल के ऊपर चावल लगा। बड़ा लग गया अच्छा लग रहा है तभी दिखेगा। सभी दीदी भी शादी कर रही है दीदी से। अब हम दोनों की भी शादी हो गई। ये
शिवम और मेरी दोनों की राखी। शिवम की तरफ से थैंक यू। तो गाइज आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी भी राखी बन चुकी है और छवि भी जा चुकी है और ये मैडम तो सो भी चुकी है, इन्होंने पूरी पूरी नींद भी ले ली बीच में। और डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई होप आपकी राखी भी बहुत अच्छी गई हो। लव यू। बाय 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 बाय।